दोस्तों प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम 2022 का कंप्लीट हो चुका है। तो आज इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 अगस्त 2022 को किया गया। तो उसकी 100% यहाँ पर मैं आंसर की आपके लिए उपलब्ध करवा कर लेकर आया हूँ। ओनली आपको राजस्थान जीके की मिलेगी, कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आंसर क्या हैं। तो स्टिक आप आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे 100%, और देख लेना आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं सही हो रहे हैं। तो टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम तो मेन मुख्य परीक्षा का आयोजन आज किया गया, तो उसके आंसर की हम देख लेते हैं। तो इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये पूछा गया था, धर्म युद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभा दास। बाकी ऑप्शनों पर वहाँ पर डिपेंड करता है, ऑनलाइन एग्जाम था किस तरह के ऑप्शन वहाँ पर पूछे गए। तो धर्म युद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? नाभा दास। राजस्थान में कौन सा शहर छाता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है फालना शहर उदयपुर का। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में कौन सा शहर छाता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है फालना शहर उदयपुर का। विश्व का सबसे बड़ा गेंडा अभयारण्य कांजीरंगा जो असम का अभयारण्य है, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया। बूंदी चित्रकला का प्रारंभिक समय 17वीं से 19वीं शताब्दी, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो ये पता नहीं ऑप्शन में शताब्दी दी है या क्या दिया हुआ है, तो इसमें शताब्दी 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का उत्तर था। अभयपुरा बांध कहाँ पर है? बूंदी चित्तौड़गढ़ मार्ग पर है। कहाँ पर है ये पूछा गया, अभी राजस्थान में अभयपुरा बांध कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी चित्तौड़गढ़ मार्ग पर। अब ऑप्शन किस तरह आपको क्वेश्चन आए हैं वो आप देख सकते हो। भारत का टाइगर मैन कैलाश सांकला को कहा जाता है, ये आपको सभी को पता है। महाराणा सज्जन सिंह का उत्तराधिकारी शक्ति सिंह था, जिसको बनाया गया था सज्जन सिंह का उत्तराधिकारी शक्ति सिंह को। चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? तो चारुमती आपको पता है किशनगढ़ की राजकुमारी थी। राजा रवि वर्मा का संबंध, तो ये केरल का इनका संबंध है। चित्रकला से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा का संबंध कहाँ से था, तो केरल राज्य से। चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो कुंभलट की दीवार आपको पता है, कुंभलट की दीवार 36 किलोमीटर चौड़ी मानी जाती है। तो ये चीन की दीवार के बाद में कुंभलगढ़ की दीवार, ये भी क्वेश्चन आया है। रावण हत्या क्या होता है ये पूछा गया था, तो रावण हत्या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। प्रथम गोलबेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। बड़े ही शानदार क्वेश्चन आए, सरल सरल क्वेश्चन आए हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, ये पूछा गया है, कितना शानदार। राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू सिरोही, ये पूछा गया है। नथमल की हवेली जैसलमेर में है, ये भी पूछा गया है। ये हवेलियाँ पूछी गई है, नथमल की हवेली, जैसलमेर, हिल स्टेशन माउंट आबू। अब जैसलमेर की स्थापना किसने की? तो भाटी राज जैसल के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है बीकानेर में। कौन सी जनजाति सांप पकड़ती है? तो ये पकड़ती है कालबेलिया। तो ये आपको पता है जनजाति से संबंधित, इसको स्पेरा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो भी कालबेलिया जनजाति सांप पकड़ती है। रतन सिंह पैलेस कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। पद्मिनी के पिता कौन थे? गंधर्व सेन, श्रीलंका की जो शासक थे, गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मिनी। और रतन सिंह पैलेस कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। लोंगे वाला युद्ध स्मारक कहाँ पर है? जैसलमेर में। राजस्थान का जो प्रसिद्ध है लोंगे वाला युद्ध स्मारक, उस वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है, ये पूछा गया है। करंट का क्वेश्चन था वो। दरियावजी मध्यकालीन युग के एक राजस्थानी कवि थे और रेन शाखा के राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे। तो दरियावजी का संबंध पूछा था किस शाखा से थे, तो वो थे रेन शाखा के राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे। भारत का क्षेत्रफल 32,83,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्वेश्चन है पूछा गया भी भारत का क्षेत्रफल कितना था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह का आया था भी भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन आए थे आज, मैंने आपको बता दिए इतने क्वेश्चन आए थे। और तो क्वेश्चन आए थे करंट के, तो वो योजना से संबंधित करंट के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आज मेन मुख्य परीक्षा का आयोजन था टेक्निकल हेल्पर का, जो प्री में एग्ज़ाम पास कर चुके थे उनका जो मेन मुख्य परीक्षा थी वह 27 अगस्त 2022 को उनका एग्ज़ाम हो चुका है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।